हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं इन चार टाइप के इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस को डिस्कस करने वाला हूं। अब देखो, ये जो चार टाइप लिखे हुए हैं कि डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स, इन चारों की खासियत क्या है? पहले तो इन चारों की खासियत देखो कि इन चारों की खासियत क्या है। इन चारों की खासियत यह है कि भी चारों में न्यूमरेटर में तो वन है, न्यूमरेटर में तो चारों में वन है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की जो पावर है वो टू है। साइन और कॉस की जो पावर है वो टू है। भाई यहां पे साइन कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स है, ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे b साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ साइन एक्स के पास एक, कॉस एक्स के पास एक, अल्टीमेटली कितनी पावर हो गई? दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें आखिर क्या करना चाहिए? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज़ें काम आती हैं। एक तो काम आती है सब्सटीट्यूशन, कि भाई सब्सटीट्यूशन सोचना है। एक काम आता है वन अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले। वन अपॉन क्वाड्रेटिक या वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले मैंने अपने एक वीडियो में बना के डाल रखे हैं, तो जिस बच्चे ने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख ले कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि सब्सटीट्यूशन, कि भाई क्या सब्सटीट्यूट हमें इसमें यहाँ पे करना चाहिए। अब देखो, ये जो फॉर्म है लास्ट वाली, ये सबसे जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में हमारे पास प्रोसीजर क्या है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। तो पहला स्टेप यहाँ पे ये हो गया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको अगर सर इस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पे क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं ये टाइप ले लेता हूँ, ये टाइप ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। इस टाइप में आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? a sec स्क्वायर एक्स, ठीक। और b साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? b टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब कहोगे सर इससे फायदा क्या हुआ? अब देखो, ये जो sec स्क्वायर एक्स है इसे मैं लिख सकता था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? अब नीचे तो आ गया a 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस b टेन स्क्वायर एक्स, और ऊपर है sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम अगर tan x को t सब्सटीट्यूट कर दें तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में शामिल हो गया बच्चों? अपना डी टी में शामिल हो गया। किस में शामिल हो गया? डी टी में। तो ऊपर हो गया डी टी और नीचे क्या हो गया? a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, सही। नीचे क्या हो गया? a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, मतलब ये वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन गई, कि भाई वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म को हम आखिर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक बात। तो ऐसा करने से हमेशा हमारे पास वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन जाएगी और फिर हम उसको आराम से फोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह के हम यहाँ पे चीज़ों को करने वाले हैं। जैसे सपोज करो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन थ्री प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, लेट्स से ये हमें दे रखा है, ठीक है, थ्री प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब ये टाइप वही है अपने पास जो हम देख रहे थे, ठीक, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, चलो इसी को ही करते हैं, 3 प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब 3 प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये ऊपर हो गया बच्चों अपने पास क्या? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 3 सेक स्क्वायर एक्स होगा तो मैं इसे 3 प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स लिख लिया, और इसे लिख लिया मैंने क्या? 2 कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स डी टी, ये हमारे पास ही हो गया, सही बात। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, टेन एक्स को टी मान लिया, तो ऊपर तो हो गया डी टी,
नीचे कितना हो गया 3 + 5t². तो इसका आंसर क्या होगा 1/a, बेस का आंसर क्या होगा 1/a, 1/a कितना है रूट थ्री, टेन इनवर्स टी, टी कितना था 10x, सॉरी टी 10x नहीं है, टी है रूट फाइव टी, भाई इसे हम 5t² की बजाय रूट 5t का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास रूट 5t/a, a कितना है रूट थ्री और अपॉन रूट फाइव, भाई रूट 5t है तो रूट फाइव डिवाइड में आएगा रूट फाइव प्लस सी, सही। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1/√15 tan इनवर्स रूट फाइव 10x अपॉन रूट थ्री प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, आसान। यस, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको उससे फिर आइडिया लगेगा कि ये आसान है या मुश्किल है। जैसे सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x कॉस एक्स, या साइन 2x भी लिख सकते थे यहाँ पे, कि dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x कॉस एक्स, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें यहाँ करना है कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वापस तरीका वही है कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया 10 square x प्लस ये कितना हो गया 2 tan x, ठीक, ये कितना हो गया कॉस एक्स कट जाएगा 2 tan x। अब 10x को मैंने t मान लिया, अब ये बार बार जल्दी जल्दी फटाफट कर देता हूँ मैं, 10x को t मान लिया कितना हो गया dt, और ये कितना हो गया t² + 2t प्लस 1 - 1, तो ये हो गया dt अपॉन t + 1 का होल स्क्वायर - 1, dt/t + 1 का होल स्क्वायर - 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब इसमें a क्या है, a है 1, तो 1/2a ln t + 1 - 1 विच इज t, t + 1 + 1 विच इज t + 2, ठीक, प्लस c, तो 1/2 ln 10x/10x+2, ठीक, प्लस c, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और हमें दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 sin² x प्लस 4 sin x cos x प्लस 5 cos² x। मान लीजिए ये भी उसी कैटेगरी का मैंने टाइप का क्वेश्चन लिया है कि भाई ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कैसे करें, वही वापस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, ये क्या हो गया 4 tan² x 4 tan x + 5, 4 कॉमन ले लेते हैं जी, 4 कॉमन ले लिया, ये 4 हो गया 5/4 हो गया, 4 कॉमन लेने से हमारे पास ये बन गया, ठीक। 10x को मैंने t मान लिया कि भाई 10x को t, तो ऊपर तो हो गया dt, नीचे हो गया t² + t + 5/4, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ t + 1/2 का होल स्क्वायर + 1, तो 1/4 t + 1/2 का होल स्क्वायर + 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों 1/4 tan इनवर्स t + 1/2 + c, लड्डू, तो 1/4 tan इनवर्स t कितना है, t है 10x, 10x + 1/2 + c, कि tan इनवर्स 1/2 10x + c, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का कुछ, जैसे हमें मान लीजिए दे रखा है इंटीग्रेशन
साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स। अब बहुत सारे कह रहे होंगे, अरे सर ये तो वो टाइप ही नहीं है, साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स। तो जरूरी नहीं है हर बार वो टाइप आपके सामने गिफ्टेड दे, थोड़ी मेहनत करने की भी जरूरत हो सकती है। भाई साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स गिफ्टेड नहीं है एकदम, कि वही टाइप एज इट इज़ नहीं रखी हुई। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करने की बात है कि भाई थोड़ी सी मेहनत कैसे कर ली जाए। कैसे मेहनत कर सकते हैं भैया, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला खोल दो, साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स। साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। ठीक, साइन एक्स उड़ा दिया, अब देखो वही फॉर्म आ गई, ये क्यूब उड़ाया तो टू आ गया, हाँ है ना। अब इसमें वापस वही काम कर लो कि भाई वही काम हम इसमें वापस कर लेते हैं, वही काम इसमें हम वापस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा, थ्री सेक स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन एक्स को टी भी मान लेता हूँ मैं, भाई टेन एक्स को टी मान लेता हूँ, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में शामिल हो गया, डी टी में, और ये कितना हो गया, थ्री ठीक प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर माइनस थ्री, तो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस थ्री, ये हमारे पास आ गया। अब माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस थ्री, इसको इंटीग्रेशन करना है, वॉट इज ए, ए इज रूट थ्री, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री एल एन टी माइनस रूट थ्री अपॉन टी प्लस रूट थ्री का मोड प्लस सी। तो माइनस वन बाय टू रूट थ्री एल एन, टी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, तो टी को टेन एक्स लिखा, तो टेन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन टेन एक्स प्लस रूट थ्री मॉड प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास कौन से क्वेश्चन थे, वो चार टाइप, कि डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह के हमारे वो जो चार टाइप हैं जहाँ पे साइन और कॉस की पावर क्या है, टू है। तो उन क्वेश्चंस को हम आखिर किस तरह से सब्स्टिट्यूशन और वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाले तरीके से कर रहे हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा है। इसी तरह के और जो टाइप हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उन वीडियो को देखें। ये वाला टाइप मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इस टाइप में ऐसा कोई तूफानी काम नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस ये देखना है कि भाई सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो से इस टाइप के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।